चली साई साई से गोरी तुर रूप जान मार हम भी पागल। हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं नागपुरी सॉन्ग में स्टेटस वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। दोस्तों देख सकते हो जो वीडियो है, मतलब ये जो स्टेटस वीडियो है, ये स्टेटस वीडियो को बनाने में ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं होगा। मैं पहले से सब कुछ बना के रखा हूँ। आपको क्या करना होगा, खाली फोटो ऐड करने से स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो PNG फोटो वगैरह जो यूज होने वाला है वो फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो इफेक्ट यूज होने वाला है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो नीचे जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले से सब कुछ ऐड करके रखा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली फोटो को ऐड करना है जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो चैनल नाम है, यहाँ पर मेरा ये चैनल नाम अड़ा के आप लोग अपना चैनल नाम दे देना ये बीट में, देखो फर्स्ट में। और फर्स्ट में चैनल नाम देने के बाद सेकंड बीट में आ जाना। और सेकंड बीट में आने के बाद दोस्तों, जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो को ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में चले जाना। और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो, मैं एक फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों, ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना होगा। और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, एकदम लास्ट बीट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो जो फोटो है, ये फोटो फुल स्क्रीन होके और ये जो लेयर है, ये लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फोटो है, ये फोटो पीछे रहेगा, जो बैकग्राउंड में देखा पीछे। तो पीछे रखने के लिए दोस्तों, ये जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना और ऐसे दबा के एकदम नीचे लेना। और जो सॉन्ग है, मतलब ये जो ग्रुप लेयर है, देखो हमारा नाम का जो लेयर है, उसके ऊपर ये फोटो को रख देना ऐसे। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, फिर से और एक फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में चले जाना और फिर से यही फोटो को दोबारा ऐड करना है। तो फिर से ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद दोस्तों, एकदम लास्ट बीट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो जो फोटो ले आ रहा है, ये फोटो ले आ रहा है एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ऊपर में जो फोटो ले आ रहा है, ये फोटो लेयर को क्या करना होगा, देखो दबा के रखना होगा। और ये जो सर्किल है, देखो सर्किल ऑन, उसके नीचे ये फोटो लेयर को रख देना कुछ इस तरह। और देखो ये जो फोटो ले आ रहा है, ये फोटो लेयर को छोटा करना थोड़ा, ये जो सर्किल है इसके बराबर करना। तो ये जो मूव एंड ट्रेस पर मैं पास चले जाना, जूम ऑप्शन पर आ जाना और इस तरह करके थोड़ा छोटा कर लेना, देखो कुछ इस तरह। और इस तरह छोटा करने के बाद दोस्तों, ठीक से एडिट कर लेना कुछ इस तरह। और एडिट करने के बाद एक बार बैक हो जाना। और दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो नीचे जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट देंगे तो उसके लिए बैक हो जाना और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों, देखो फर्स्ट में जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों, ये जो नीचे फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच कर, तो दोस्तों ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो जो फोटो है, फोटो में कुछ इस तरह हमारा इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा, देखो ये जो ऊपर में जो फोटो लेयर है दूसरा, ये फोटो लेयर में अलग इफेक्ट देना होगा। तो इसके लिए फिर से बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों, देखो यहाँ पर जो सेकंड जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो, ये जो सेकंड, मतलब ये जो फोटो लेयर है फर्स्ट में, देखो ऊपर में ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को देना होगा। तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, 3 डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ये जो फोटो है, ये फोटो में इफेक्ट लग जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है, ये लेयर को और ये फोटो लेयर को, ये दो लेयर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके टिक कर लेना दबा के। और टिक करने के बाद देखो, यहाँ पर जो मिडिल में जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को एक बार टच करना होगा। तो यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा यहाँ पर बन जाएगा, देखो
कुछ इस तरह सर्कल बन जाएगा, देखो कुछ इस तरह। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो ये जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप एडवांस जो लेयर है, ये लेयर को टच करना होगा। ये लेयर को टच करने के बाद देखो बॉर्डर एंड शेड जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और नीचे जो शेड ऑप्शन है यहाँ पर टच करके ये जो शेड है इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इसका जो साइज है इसका साइज 20 कर देना, और यहाँ पर देखो जो 33 रहेगा नीचे इसको XY00 कर देना, देखो कुछ इस तरह। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, हमारा जो स्टेटस वीडियो बनके कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, जो स्टेटस वीडियो उसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो ऊपर में चार ऑप्शन यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।